अच्छा जी, यहाँ तक था हमारे पास अक्यूट और क्रोनिक रीनल फेलियर। अभी तक जो मैंने आपको डिसऑर्डर्स करवाई हैं ये सारी थी कॉन्टैक्ट किडनी की डिसऑर्डर, जिसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और आपके पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और इसके बाद रीनल कैंसर और अक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रोनिक रीनल फेलियर, ये सारी जो डिसऑर्डर्स थी जो किडनी की, मैंने ये जो आप लोगों को बताई है ये कॉन्टैक्ट की डिसऑर्डर्स थी। तो ये जो कॉन्टैक्ट वाली डिसऑर्डर्स हैं इनको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो रिवाइज करना है। उसके बाद कुछ अब चीज़ें जो हैं वो बाकी जो आउट ऑफ कंटेंट थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। किडनी की डिसऑर्डर्स यहाँ तक इतनी थी। इसके बाद जो कुछ चीज़ें हैं ये आप लोगों ने जो टेबल्स हैं इसके बाद जो है ना, ये जो 5 डायग्नोस है क्रोनिक रीनल फेलियर के, यहाँ से आप लोगों ने कर लेना। एक्सेसिव फ्लूड वॉल्यूम, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट और डेप्थ एंड नॉलेज और एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ठीक है। तो ये जो नर्सिंग डायग्नोस है ये आप लोगों ने इधर से 5 याद कर लेने हैं इसके लिए। उसके बाद हमारे पास क्रोनिक रीनल फेलियर के नर्सिंग डायग्नोस भी आपके पास हो गए। फिर आप लोगों ने ये जो डायलिसिस है ना इसकी कॉम्प्लिकेशंस करनी है। डायलिसिस आप दो तरह के डायलिसिस होते हैं, ठीक है, ये आपके कंटेंट के लिए वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फिर भी ताकि आपको आइडिया हो। हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो इन दोनों की आप लोगों ने जस्ट कॉम्प्लिकेशन याद करनी है, जैसे इधर लिखी होंगी ये कॉम्प्लिकेशन है हीमोडायलिसिस की, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन आप लोग कर लीजिएगा। और इसके बाद आप लोगों ने ये जो टेबल्स दिए हुए हैं ये एक टेबल है कंसीडरेशन इन CAPD, ठीक है। इस CAPD ये कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, उसकी आप लोगों ने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन ये दो दो तीन तीन आप लोग इसके देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है टेबल, लेकिन फिर भी आप टेबल जो है वो आप लोगों ने करने होते हैं सारे, तो फिर आप लोग इस टेबल को ये देख लीजिएगा कंसिडरेशन इन CAPD, एक ये टेबल। और इसके बाद एक टेबल है हमारे पास लास्ट पे, अच्छा जी कौन सा टेबल था, किडनी डोनेशन, एक दफा ये टेबल रीड कर लीजिएगा जस्ट, ठीक है। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा। तो और इसके बाद है चार्ट 14.4, 44.14 रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन एंड इन्फेक्शन, एक दफा इसको रीड कर लीजिएगा। ये टेबल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेफ एंड के लिए आप लोग एक दफा इन तीनों टेबल्स को जो है वो रीड कर लीजिए, क्योंकि टेबल्स आप लोग ने कोई भी स्किप नहीं करना, ये बात आप लोग याद रखें। अच्छा जी, ये थी हमारे पास किडनी डिजीजेज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो किडनी डिजीजेज हम लोगों ने की हैं, सबसे पहले आप लोगों ने अच्छी तरह करनी है सीके की स्टेजेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड हमने किया था नेफ्राइटिस, उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की टाइप्स और उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वो आप लोगों ने अच्छी तरह करनी है। जो टेबल्स एक दो उसमें दिए हुए थे वो टेबल्स आप लोगों ने करनी है। उसके बाद आप लोगों ने पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की जो साइन एंड सिम्टम्स है वो करने हैं। रीनल कैंसर की जो टेबल था रिस्क फैक्टर्स वाला वो अच्छी तरह याद करना है। और अक्यूट रीनल फेलियर में जो उसकी कोजेज का टेबल है, प्रिवेंशन का टेबल है, ये दोनों टेबल अच्छी तरह याद करना है। और इसके फेजेज जो अक्यूट रीनल फेलियर की ये और नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रीनल फेलियर ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने हैं। और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने मस्ट याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी जो है वो डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। उसके बाद अब हम कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद यूरिनरी। किडनी के बाद हमारे पास यूरेटर्स आते हैं, यूरेटर और इसके बाद ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा, ठीक है। तो इसके जो कुछ डिसऑर्डर्स हैं ये हम लोग वो हैं कल करेंगे, ठीक है। तो ये एक पोर्शन हो गया हमारा किडनी डिसऑर्डर्स का, सेकंड पोर्शन है ये इंशाल्लाह हम अब कल और परसों में जो है इसको कंप्लीट करेंगे। अभी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो कहीं से भी, कोई टेबल या कोई क्वेश्चन चीज समझ नहीं लगी तो आप लोग पूछ लें, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और आप लोग इसको साथ साथ काइंडली सर, करते हैं। आपने जी सर जी आपने लास्ट पे 3 टेबल बताए हैं ना, वो एक बार दोबारा बता दें। लास्ट में मैंने 3 टेबल बताए हैं, वो एक तो वो था कि सबसे पहले जो लास्ट पे था वो रिजेक्शन वाला था, एक मिनट मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। 44.14 था कि जो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस और इन्फेक्शन, ठीक है, ये वाला टेबल 44 रीनल ट्रांसफर रिजेक्शन एंड इन्फेक्शन 44.14। ये टेबल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं एक बार बता दूं कि जो टेबल्स हैं जो जो मैं आपको बताता हूँ इनको एक दफा रीड मस्ट कर लिया करें। आप लोग 100% तो नहीं, लेकिन इन टेबल्स का 60-70% आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि इसमें ये जो है टेबल्स हैं ये कहीं से भी वो समटाइम दे देते हैं, इम्पोर्टेंट तो नहीं होते लेकिन समटाइम क्योंकि बुक से पेपर बनता है तो जब उनके पास बुक आती है तो वो इस तरह के जो टेबल्स हैं जो ज्यादा प्रोमिनेंट चीजें हैं ये ज्यादा पेपर में आती हैं। ठीक है, तो मैं बुक से इसीलिए आपको ये चैप्टर करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि आप लोगों ने टेबल किस तरह करने हैं। जिस दिन आपको इस साइकोलॉजी की समझ लगे कि यूएचएस का पेपर बनता किस तरह, तो उस दिन फिर आप लोग कोई भी बुक आप लोगों को दे दी जाए आप लोगों के लिए तैयार करना, वो प्रिपरेशन मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग को कोशिश करें साइकोलॉजी को समझने की कि ये पेपर किस तरह बनता है, किस तरह की चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, तो उस तरह की चीजों को फिर ज्यादा फोकस किया करें क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है। पेपर्स में भी जब एक दिन में आपने फुल बुक प्रिपेयर करनी होती है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो ये सारी चीजें हर स्टेज पे आप लोगों ने अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है चीजों को। तो इसीलिए अभी स्टार्टिंग से उसके अकॉर्डिंगली ही आप लोग प्रिपरेशन करें ताकि बाद में पेपर में भी आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। ठीक है, उसके बाद ये टेबल था किडनी डोनेशन वाला, इसको एक दफा रीड कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग ने एक टेबल और था, क्या था उसका नाम, ये वाला कंसिडरेशन इन CAPD यानी कि कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन दो दो तीन तीन बस कर लीजिएगा इसकी। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने 5 से 6 चीजें डिस्कस की थी रीना फेरी में। सबसे पहले फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना है, मॉनिटर करना है। सेकंड चीज थी मेटाबॉलिक रेट को कम करना है। थर्ड पे हमने कहा था कि पल्मोनरी जो फंक्शंस हैं उनको प्रमोट करना है। इसके बाद हमने कहा था कि साइको सोशल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। और इसके बाद हमने एक दो चीज और थी, क्या था इसके अलावा, साइको, इन्फेक्शन प्रिवेंशन। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन और स्किन केयर थी। ठीक है, ये 6 पॉइंट थे मेन, ये 6 चीजें आप लोगों ने इनको अच्छी तरह जो है ना, ये पॉइंट्स आप लोगों को मस्ट आने चाहिए। बाकी चीजें अंदर से एक दफा अपने कॉन्सेप्ट के लिए रीड कर लीजिएगा, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 पॉइंट एटलीस्ट आपको आते हों। ठीक है, यही चीजें अगर आप 6 के 6 पॉइंट बुक में ले, बुक से अगर पेपर जब बनता है ना, तो जब वो कहते हैं ना कि आप लिखे रीनल फेलियर नर्सिंग मैनेजमेंट, तो वो यही 6 पॉइंट लिख के जो आंसर में देते हैं। तो अगर आप ये एज इट इज ही ये चीजें लिख के आते हैं ना, तो फिर आपका मार्क्स जो है वो एक भी डिडक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो बुक जो है वो मैं आप लोगों को प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि बुक से जब पेपर बनता है तो जो आंसर की है वो भी बुक से ही जाती है। तो जब बुक से आंसर की जाती है तो जब आप भी आंसर जो बुक वाला ही लिखते हैं तो आपका मार्क्स जो है वो एक भी डिडक्ट नहीं हो सकता। बाकी अब हम आंसर तो लिख लेते हैं खुद से, मतलब स्लाइड से या इधर उधर से, लेकिन वो हमें पूरे मार्क्स फिर नहीं मिलते। ठीक है, तो पूरे मार्क्स लेने के लिए आप लोग बुक को लाजमी कंसंट्रेट किया करें। ठीक है, किसी बच्चे को और कोई क्वेश्चन हो किडनी डिसऑर्डर्स में से तो आप लोग पूछें। अब किडनी डिसऑर्डर्स जो मैंने बुक से आप लोगों को करवाई है, आप लोग काइंडली इसको जो है वो अब रीड कर लीजिएगा। अभी आपकी छुट्टियां भी, अभी आपको इतना बर्डन नहीं है, तो GIT भी साथ साथ जो है वो करते जाएं आप लोग। ठीक है, ओके जी, ठीक है, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट, जी मेडिकल मैनेजमेंट में आपने ना ये 3 चीजें बतानी है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट और थर्ड पे डायलिसिस। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप लोगों ने मेडिसिन का बताना है कि कैल्शियम और फास्फोरस बाइंडर देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, एंटी सीजर और इरिथ्रोपोइटिन देंगे। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में आप लोगों ने बताना है कि सोडियम रिस्ट्रिक्शन करनी है, फ्लूड रिस्ट्रिक्शन करनी है और जो पोटाशियम है उसकी रिस्ट्रिक्शन करनी है, और फिर उसके बाद एंड पे पेशेंट को डायलिसिस करनी है। ठीक है, ये 3 चीजें आप लोगों ने मेडिकल मैनेजमेंट में बतानी है। अच्छा जी, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? ठीक है लेक्चर सेंड कर देंगे, मैंने लेट ज्वाइन किया जी, था ठीक है, इसलिए। आप लोग आप मुझे काइंडली मैसेज कर दें, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये मुझे पता है कुछ बच्चों का आजकल इशू आ रहा है इंटरनेट का ना, तो वो आप बच्चे मुझे मैसेज कर दें, मैं उनको रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर दूंगा उनके साथ। डायबिटीज जो है वो इसका एक्चुअली मेन कॉज होता है इसका ना, डायबिटीज इसमें क्योंकि नेफ्रोपैथी हो सकती है, वेसल्स डैमेज हो सकती हैं, इस वजह से डायबिटीज जो है वो CKD का मेन कॉज होती है। डायबिटीज में एक्चुअली डायबिटीज एक बहुत रीजन होता है, मेन रीजन होता है CKD का। डायबिटीज में ये होता है कि वो जो वेसल्स है वो मेनली वो डैमेज होती हैं, जब वेसल्स डैमेज होती हैं वो प्रॉपर फ्लूड की एक्यूमुलेशन, इसमें डायबिटीज में भी इस तरह होता है कि फ्लूड की एक्यूमुलेशन होती रहती है बॉडी में, तो उस एक्यूमुलेशन की वजह से किडनी जो है वो प्रोलॉन्ग एक्यूमुलेशन की वजह से डैमेज होती है और उसको इफेक्ट करती हैं। और CVS में कोई इस तरह इफेक्ट करती है कि जब ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होंगे तो ये ब्लड के थ्रू यूरेमिया कोज करेंगे, जिस वजह से जो है वो CVS को भी इफेक्ट करते हैं।
ठीक है जी, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अभी आज के लिए इतना ही था, कल इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ यूरेटर्स और ब्लैडर और यूरेथ्रा, वो कल हम इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करेंगे। और कल आप लोग काइंडली सब जो है वो इसको रिवाइज करके आइएगा जो हमने किडनी डिसऑर्डर्स किए हैं, ठीक है। अगर किसी का कोई इश्यू हुआ नेट की वजह से तो मुझे बता दे, आज जो है मैं वो आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। कुछ थोड़ी सी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, 5-10 मिनट की, बाकी सारी हुई है, तो वो जो जो है मेरे पास वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।